मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर बाजिर का जी, अब तो गैर हाजिर। दोस्तों आज 22 जून 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आलू का भी बाजार क्या जानेंगे जी। दोस्तों मारा तो विरोध इतना हो चुका कि सारे बंदे गालियां देने लग गए, कोल्ड वाले भी गालियां दे रहे। भाई साहब जो मैंने वीडियो में बोला ना वो उन कोल्ड वालों के लिए बोला जो कि मार्केट में गंद बेचारे गलत पर्चियां बेचारे जो कि 1600 की 1800 की 1900 रुपए की पर्चियां नकली पर्चियां फर्जी पर्चियां दिखा के इनको दे देते हैं भी दिखाओ। फिर किसान यहां पर वीडियो देखते हैं, किसान कहते हैं कि हमारा स्टोरों में उस स्टोर में ये रेट बिक रहा, दिल्ली में ये रेट बिक रहा, खासकर मुझे और दिल्ली आड़ती को तो जो बोल रहे तो बोल रहे, इनको तो वह चोर निकम्मे डाकू जो भी बोल रहे, मेरे को खुद को बोल रहे भी तू भी इनके साथ मिला, आलू का यहाँ क्यों नहीं तेज जा रहा भाई, यहाँ पर ये 80, 100, 75, 90 गाड़ियाँ कैसे आ रही, ये गलती भाई इनकी नहीं है, इसमें कई गलती है जी, ये गलती उन स्टोर वालों की है जो बड़े बड़े स्टोर वाले हैं ना, जो वो जो दूसरे बंदे नकली पर्चियाँ दिखा के मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे, किसानों को बरगला रहे, वो उनके लिए है वो। हमको तो जैसे अब गाड़ियाँ मिल रही, आने वाले समय में आपको भी गाड़ियाँ मिलेंगी भी, उस स्टोर में जो है 1800 का 1900 रुपए का 1600 रुपए के आलू बिके और तुम कितारे पास नहीं बेचे गए, ये उसको मिलेगी। और साथ में जो है एक पात्रता होती है ना, पात्रता, चलो जो मैंने बोला किसी वीडियो में कुछ भी बोल दिया, जिनको अच्छा नहीं लगा तो हम जो है उनसे क्षमा मांगते हैं, कोई बात नहीं जी। पर यह पात्रता बोलते हैं ना जिसको पात्रता, कुछ बंदों को जो लिमिटेड बंदे हैं जिन्होंने नए नए आलू उगाए होंगे जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा, पात्रता एक ऐसी चीज़ है जिसको औकात भी बोलते हैं। जब किसी पे परमात्मा ऊपर से औकात से ज़्यादा दे देता है ना तो धरती से उछल तो है चलता है। ऐसे जो है ना कि बार क्या पता किसके बाह कर्म से लाख से ये रेट आ गया तो वो बंदे लगातार कमेंट कर रहे कि दिल्ली चोर है, ये है वो है, भाई साहब ये तो रेट मिल गया, सब्जी है सब्जी का नहीं कुछ पता होता, सब्जी जितने का 1500 का 1400 का यहाँ बिक रहा है 4500 का भी बिक सकती है। और जब आलू की गड्डी चढ़ती है ना पहाड़ पे, जब वो चल रही तो चल रही वजन ठाके, और यदि उसका मोशन टूट गया ना और बैक मार गई तो चाहे उसके नीचे गुटका दे लो और चाहे लगा लो पत्थर, समझती नहीं है। जो समझदार ड्राइवर है वो तो तुरंत उसी गाड़ी को वहीं पहाड़ में बैक मार के गड्डी पलटा लेगा, अपनी गड्डी भी बचा लेगा और अपना माल भी बचा लेगा। और जो अनाड़ी है ना उनकी गड्डी रुकेगी नहीं, पीछे जाकर भी पीछे रुकेगी, वो खाई में ही गिरती है। ये जो ऊपर वाले ने पैसे दिए ना, ये उनकी जो कुछ बंदे जो कमेंट कर रहे हैं मेरे पास उनकी पात्रता की कमी है, उनकी औकात नहीं है जितने पैसे लेने की, वो लगातार हमको गालियाँ दे रहे। पूरा पंजाब मेरी वीडियो को देखता है और स्टेटें देखती है, ये समय समय का चक्कर है जी। पंजाब वालों ने कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला कमेंट में, पंजाब के कोल्ड स्टोर वालों ने नहीं बोला, पंजाब के किसानों ने नहीं बोला, ये सिर्फ यूपी के ही कुछ गिने चुने किसान है, कौन है या इन्होंने ये आइडिया बना रखी जो मेरा विरोध करवा रहे हैं, ये नकली है। पर कमी कहाँ है, ये भाई साहब आपकी है, ये दिल्ली के आड़तियों की कमी है, ये स्टोर वालों की कमी है। दिल्ली में 100-150 आड़ती है, जिस मर्जी की चेकिंग कर लो, फोन में जाके हिस्ट्री देख लो, ये वीडियो देखते हैं, ये कभी नहीं बोल लेंगे हाँ राणा जी भाई साहब आपने ठीक रेट बताया, हमारे साथी ने जिस आड़ती ने भी रेट बताया सही रेट बताया। दिल्ली मंडी में 3 चैनल चलते हैं, क्या तिन्नी का तिन्नी चैनल चोर है जी, सारे आड़ती गलत बता रहे, कभी नहीं बताएंगे जितने भी आड़ती है, अभी कमेंट करके तो बता दो भी हाँ भाई बिल्कुल सही भाव बिक रहा, ये वीडियो तो देख लेंगे और जेब में मोबाइल डाल लेंगे। ऐसी है कोल्ड वालों का जोर से 1800 की 1900 रुपए की 1600 रुपए की नकली पर्चियाँ बता रहे, आपको कमेंट करना चाहिए भाई, ये आलू आसमान में से आ रहा है यहाँ पर, आपके कोल्ड स्टोरों से ही तो आलू खरीद के आया जा रहा है यहाँ पर, ये 80 गाड़ियाँ 70 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ जो भी आ रही है कोल्ड स्टोर से ही तो आ रही, जो बढ़िया कोल्ड स्टोर के मालिक है ए क्लास के मालिक है अच्छे बंदे हैं वो बोलो ना जी कमेंट करके, उनको जवाब दो भी भाई हमारे पास से खरीद के जा रहे, चलो वो पारी क्यों बोलेगा, वो पारी तो जो वहाँ से 1200 का खरीद देगा वो जो है 1400 का बताएगा आड़ती को यहाँ के, और जो कहेगा कि मैंने 1200 का बेच दिया है उसका 1250 का बेच देंगे, जब व्यापारी 1400 का बताएंगे ना तब ये उसका 1300 का बेचेंगे, और वही व्यापारी लगातार खरीद के आ रहे, व्यापारी होगा नहीं इसमें वो है कोई कसूर है, ये कसूर है उन कोल्ड वालों का जो आपके खिलाफ गलत पर्चियाँ दिखा रहे, खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा इसका कभी ना कभी, ये सब्जी का रेट है जी और इन आड़तियों को भी भुगतना पड़ेगा, ये समय का चक्कर है चलता रहता है। मारा क्या जी हमको तो वीडियो बनानी है,
नहीं बनाएगा, नहीं मन मानने का ना बनाएंगे, बतेरे और घूम रहे, छत्ती घूम रहे जी, 100 चैनल घूम रहे, सारी जगह आपको रेट मिल जाएगा। पर हमको खाम खामे बदनाम कर रहे, हमको कह रहे चोर है, पैसे ले रहे, रबड़ियाँ पी रहे, लस्सी पी रहे, कौन सी पी रहे भाई हम यहाँ से इस धूल मट्टी में। सुबह घर से आके यहाँ वीडियो बनाते हैं, दोपहर तक 6 वीडियो 7 वीडियो बनाते हैं और 2 बज जाते हैं इतनी भयंकर गर्मी के अंदर। ये सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समय का चक्कर है। कभी दिल्ली मंडी में 800 गाड़ियाँ बिकती थी, आज यहाँ 70 गाड़ियाँ भी बिकनी मुश्किल है, क्योंकि ये समय का चक्कर है। ये पहले दिल्ली मंडी अकेली थी, फिर दिल्ली NCR की मंडी आई, फिर और छोटी मंडी आई, उनमें जाने लगा, फिर आपके गांव शहर में मंडियाँ खुली, उनमें माल बिकने लगा, उनमें भी माल नहीं बिकता, सीधा स्टोरों में माल बिकने लग गया। अब ऐसा भी जमाना है कभी स्टोर में भी माल नहीं बिकेगा, वो हाँ खेतों में ही माल बिकेगा, फिर क्या करोगे? आपको एक छोटी सी बात सुना दे जी, 80-85 का दौर था, उम्र बेशक हमारी 50 साल की है, पर तजर्बा, हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, तजर्बा 100 साल का है। 80-85 के दशक की बात है, बड़े बड़े सिनेमा हॉल थिएटर हॉल चलते थे, बड़ा उनकी वैल्यू थी, किसी को बाहर से कोई चीज़ लेने नहीं देते थे, कोई रोटी लेके जाए उसकी कमर में गद्दे मारते थे, अपना सामान देते थे वहाँ, नकली वहाँ समोसे और ब्रेड देते थे। ऐसा दौर चला कि VCR आए, VCR से जो है उनका काम ठप हो गया, फिर सीधे 90 के दशक में केबल TV आए, और काम ठप हो गया, फिर जो है सीधे जो है CD प्लेयर आए, और काम ठप हो गया उनका, जो अपना ये सिनेमा हॉल थे दिल्ली में देख लो, आपके नगर में छोटे छोटे कस्बों में आप भी आज भी थिएटर हॉल है खुले, नाम भी नहीं आज उनका लिखा है भी कौन सा है, लोगों से ही पता चलता है ये फलाना थिएटर हॉल है, नाम भी मिट गए उनके। फिर जो मोबाइल चले, अब आज उनके हालात पता कैसे है उनके थिएटरों के, उनमें आवारा पशु बैठे और ऊपर बैठे उनका कबूतर और जहाँ मेरे ऊपर पिपड़ के पिड्डे। भाई साहब ये समय का चक्कर है, कभी दिल्ली में साउथ का आलू आता था, आज एक बोरी नहीं आती, कभी शिमले की 70-80 गाड़ियाँ आती, आज एक नहीं आती, कभी जो हल्द्वानी का बिहार तक का आलू आता था, आज जो UP का मौका है, UP चल रहा, कोई बात नहीं, समय का चक्कर है। कभी किसी इलाके में कोई चीज़ होने लग जाती है, कभी किसी में, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। चलो हमारे से कोई गलती हुई, हम तो माफ़ी मांगा जी, हमने जो कह दिया, पर ये हमने उन स्टोर वालों के लिए कहा भी जो नकली पर्चिए बना के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रहे, इसलिए किसान उनको देखता है और मुझे चोर बोलता है भी तू गलत रिपोर्ट दे रहा, वहाँ हमारे स्टोर में 1800 का आलू जा रहा, 1900 का आलू जा रहा, 1600 का जा रहा, यहाँ सो रहा 1200 रुपये की रिपोर्ट दे रहे, ये रोज़ 1100, 1200, 1300, 1400 रुपये की रिपोर्ट दे रहे यहाँ के आड़ती, और यहाँ फिर 800 गाड़ियाँ आ रही, कहाँ से आ रही? ये आपका काम था कमेंट करना भी भाई ये रेट बिल्कुल ठीक है, हमारे स्टोरों से माल बिक के जा रहा, आपका काम था, ये स्टोर मालिकों आपकी गलती है, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जब परमात्मा अगर कोई गड़बड़ न हो जी, ठीक ठाक सीजन चला जाए, आप निकल तभी हमारी टांग ऊपर रहनी चाहिए, पर जब कभी 1900 की बात हो गई ना, फिर कहेंगे उस स्टोर में 1900 का आलू गया था, 1800 का गया था, 550 के पास बेचे नहीं गया, तब कहेंगे आपको, फिर पता चलेगा मारा क्या हमारी बदनामी, जिसको करनी कर लो, कोई बात नहीं, हम तो डरपोक बंदे जी। आलू का भी टेम्परेचर आई है, क्योंकि आलू तेज है, आलू से भी डर लगता है, आलू बेचने वालों से भी डर लगता है आलू वाले से, क्योंकि उनके पास अब पैसे आ रहे, वो ज़्यादा ही उछल कूद कर रहे, चलो कोई बात नहीं। और आलू के जो है स्टोर वालों से भी डर लगता है, वो भी कल एक ने मुझे धमकी दी फोन करके, कोई बात नहीं भाई, अब नहीं बनाने के, आलू की ना बनाए, आलू बुखारे वाले में खड़े हम तो सामने, आलू बुखारा भी करा, यहाँ आलू भी करा जी, आलू बुखारे की वीडियो बना लेंगे। आज भी मंडी में गाड़ियाँ कम नहीं है, बहुत गाड़ी है आज भी मंडी में, कहीं ना कहीं से आ रही, पर मेरा साथ नहीं दिया यहाँ के आड़तियों ने, मेरा साथ नहीं दिया वहाँ के जो अच्छे किसान हैं UP के, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कोल्ड मालकों ने, किसी ने भी, जो बंदे गलत कमेंट कर रहे थे मुझको, गलत चोर बता रहे आपके UP वाले चैनलों वाले भी, ये बिको है यहाँ आलू बिक रहा, जो आलू में कोई बात हो गई ना, आपको भी पता चलेगा भी 1800 का आलू, 1900 रुपये का आलू कौन सी मंडी में बिक रहा, जिस मंडी की रिपोर्ट दे रहे, पर्चियाँ दिखा रहे, एक छोटी सी क्लिप तो दिखाओ, दफ्तर में बैठ के बोल रहे कि यहाँ बिक रहा, वहाँ बिक रहा, एक क्लिप दिखाओ भाई कहाँ जाके बिक रहा। हो सकता है आलू तेज होगा, आप नहीं कह रहे कि मंद होगा, तेज होएगा, बहुत तेज होएगा, सब्जी है, इसको जैसा अशोक बाबू जी ने कल बोला था, सब्जी को तो जानो जब बिक के अपनी जेब में पैसे आ जाए, ऐसे बदनाम नहीं करते किसी को, समय का चक्कर है, चलता रहता है। आज हमको कोई कह रहा, कल किसी और को कह रहा, बड़ा दिल में ठेस पहुँची है। चलो आज की वीडियो से भी मेरे को किसी को गलती होगी हो तो माफ़ी भैया, हमने किसी के लिए गलत बोल दी हो, और जो वीडियो में उस दिन बोल दिया मैंने बात,
बुलडोजर वाली, वो उनके लिए बोला था जोन से वह नकली पर्चियां दिखा रहे। अब तो कहा परमात्मा ना किसी के उस पर चला जी, सब कोई बात नहीं जी दोस्तों। अब तो तब वीडियो बनाऊंगा यहाँ मंडी की, जब डॉक्टर दुलीचंद आएंगे वो समझाएंगे, क्योंकि ये आरती खाली रेट रेट बता रहे थे, इनको समझाना नहीं आया यहाँ के आरतियों को। 15 आरती इंटरव्यू दे रहे, कुछ मेरे चैनल पे, कुछ दूसरे पे, कुछ दूसरे पे, 3 चैनल चल रहे, किसी को समझाना नहीं आया भी कारण क्या है। डॉक्टर दुलीचंद जी आएंगे, वो बताएंगे भी कहाँ डिस्टर्ब हुई, कहाँ मार्केट डिस्टर्ब हुई। मार्केट तो हम बता रहे थे 400-500 रुपये के रेट चल रहे थे ना, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। 600-700 का बाजार आया, आंखें पीली कर ली ने, फिर उसके बाद 800-900 रुपये का बाजार आया, 1200 रुपये तक पहुँच गया जब आलू का रेट। तो यहाँ दिल्ली मंडी में जब पंजाब का आलू आने लग गया डायमंड, उस समय पंजाब वालों को भी गालियाँ देने लग गए, हमको भी गालियाँ देने लग गए, आरतियों को भी, तुम पंजाब का आलू डायमंड भाई उनको वारा खा रहा था। उस समय 40 गाड़ी 45 गाड़ी 50 गाड़ी पंजाब के डायमंड आलू की आ रही थी यहाँ पर। तब से तकरार चली, आज वो तकरार चलती 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 इतनी हो गई, इन्होंने सारी अदे पार कर दी गालियाँ देने की, भाई ये आपका आलू आप जाना वो जाना, हमारे पास तो कोई गलती हो हम तो फिर वीडियो बनाएंगे डॉक्टर दुलीचंद जी जब आएंगे। आज की वीडियो यही है कि आपका वही रेट चल रहा, और मेरा जो कैमरा पकड़ रहे स्पेशल एक भाई साहब अलवर से आए, यूट्यूब चैनल ले जाओ भाई, तब भी दिखा दे चेहरा भाई अपना। क्या नाम है दोस्त अपना जी? जी मेरा नाम देव है। देव जी? अच्छा जी, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है? जी जी, मंडी अप के नाम से। किस नाम से जी? मंडी अप के नाम से। और कौन से शहर में रहा जी आप? जी अलवर में ही है, वो प्याज की वीडियो आती है जब प्याज का सीजन चलता है अपने अलवर में, जब भी बनाते हैं। अच्छा, जो लोकल प्याज चलता है। जी लोकल। वहाँ पर और किस चीज का काम है आपका? नहीं, आलू प्याज ही बेचते हैं। आलू प्याज बेचते हैं। तो आज दिल्ली मंडी में क्या लेने आए भाई? जी आलू आलू देखने आए थे, आलू का भाव देखने आए थे। मंडी है तो यहाँ क्या लेना है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चोरों की मंडी है, जो भाव ऐसे ही भाव वहाँ बिक रहे हैं। अच्छा जी, सेम भाव वहाँ बिक रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो फिर रेटों में कहाँ डिफरेंस आ रही, मेरी वीडियो देखते हो आप? जी बिल्कुल देखते हैं। अच्छा जी, कोई डिफरेंस है जी? नहीं, 1% भी डिफरेंस नहीं है। तो आज आप स्पेशल कैसे आ गए वहाँ से? नहीं, आज क्या छुट्टी थी अपनी, पूर्णमासी की छुट्टी थी इसलिए। अच्छा, पूर्णमासी की छुट्टी है? हाँ भाई दोस्तों, ये पूर्णमासी का दिन ले, पकड़ भाई पकड़, दोबारा अभी तो कहना बाकी रह गया, ये तो तू ही पकड़ रहा कैमरा मेरे पास तो यहाँ लग रहा जी। भाई आज पूर्णमासी का दिन है, उदया तिथि पूर्णिमा का दिन 2024 जून को मैं बातें बोल रहा, मेरी बातें नोट कर लेना डायरी पे, ये जो जो बातें बोल ली मैंने। एकादशी का दिन था उस दिन जब मैं मंडी में नहीं आया, उस दिन भी इन्होंने मेरे लिए गंद बका, नाम के तो ये मैं क्या बताऊँ, बस इनका कुछ नहीं बोलता मैं। उस दिन मेरा व्रत था एकादशी का निर्जला का, उस दिन भी इन्होंने मेरे लिए गंद बका यूट्यूब चैनल वालों ने, उन्होंने कुछ से कुछ कोसा मुझे। आज पूर्णमासी का दिन है तब ये बातें कर रहा, इसको गो नोट कर लेना डायरी में भी। वीरेंद्र सिंह राणा था एक, कुछ बोल के गया था 2024 में। समय का चक्कर है, चलता रहता है, पृथ्वी घूमती रहती है, सब होता रहता है, हमको क्या दे अपना देखो जी, जो थारे लिए कुछ तो कुछ बोल रहे, और ये आड़तियों तुम देखो जो थारे लिए बोलते हैं और तुम कमेंट में जवाब भी नहीं दे सकते। और उन अच्छे किसानों के लिए भी, जो वो अच्छे किसान है, आप मेरी वीडियो देखते हैं और बड़े किसान हैं, आप नहीं कमेंट करते, वो सिर्फ उन चुनिंदा लोगों कमेंट करते हैं जिन्होंने पहली बार पैसा देखा। पता नहीं भाई उन्होंने पैसा देखा नहीं पैसा देखा, जैसे चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो ऐसे ऐसे उछलने लग जाता है, वो काम कर दिया जी। ये पात्र तो है, ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिया आलू वालों को, पर उनको पास जो है ना जेबें नहीं है, तो वो उछल रहे कूद रहे गाड़ियाँ देते फिर रहे। समय का चक्कर है, चलता रहता है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। क्या नाम बताया थे अपना? जी मेरा देव खेमानी। देव खेमानी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो जी, आज की वीडियो में रेट रूट तो नहीं जानेंगे, फिर भी गाड़ियाँ जान ले, मैं तो फिर भूल गए सरदार भाई साहब के पास, जसकरण के पास क्या गाड़ियाँ आई और ये क्या लेना आए। लो जी एक मिनट के लिए मेरा कैमरा चल रहा जी। मैं गाड़ियाँ कितनी है जी राणा जी? आज मंडी के अंदर अगर हम बात करते हैं गाड़ियों में तो 92 गाड़ी है, 92 गाड़ी है, 92 92 गाड़ी। बिक्री कैसी है जी? बिक्री अच्छी है, शनिवार के हिसाब से 2 दिन की मंडी है, कल बारिश पड़ गई, मौसम ठीक हो गया है, आलू की बिक्री अच्छी चल रही है मंडी के अंदर। हाँ भाई दोस्तों, कल दिल्ली में 2 घंटे 2.5 घंटे बरसात हुई दोपहर में 12-1-2-3 बजे के करीब, खूब तेज बारिश हो गई है बिल्कुल। हम तो कहां भी दिल्ली में ऐसी सी 100 बरसातें पड़ जाए, हमारा सारे सीजन का बेड़ा पार है जी बिल्कुल। आज मंडी में कितनी गाड़ी बताई? मंडी 92 जिसमें से 18 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी, 2-4-10 गाड़ी बाद में आ जाती है, तो 92 गाड़ी की रिपोर्ट है, तो 100 गाड़ी मान के चल लो आज भी, यानी 100 के आसपास है बिल्कुल बिल्कुल है जी।
रेटों में कुछ सुधार, रेटों के शब्दों में बता, रेटों के अंदर सुधार ही सुधार है जी। सारे आलू जो है वो 50-60 रुपए 100 रुपए तक तेज चल रहे हैं। चलो जी, बढ़िया आलू के अंदर सुधार है, हल्के आलू अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा, मैं बार बार ये चीज कहूंगा, बढ़िया आलू जो है उसमें 50-100 रुपए का सुधार निकलेगा, हल्के आलू जो है वो 10-20 रुपए और उनकी बिक्री होती रहेगी। मेरा माइक दे दो जी, मेरा दिल नहीं लग रहा जी, अब तो वीडियो जब दुली चंद डॉक्टर आएंगे फिर ही बढ़ाऊंगा जी भाई मैं। चलो जी दोस्तों, आलू के बेचने वालों का तापमान आई है जी। हम क्या करें, हम तो गरीब बंदे जी, यहाँ ना कैमरा उठाया, आलू की लास्ट डेरी है, आलू में से ना गए, लो जी आज आलू बखारे खाओ, लो जी आलू बखारे देखेंगे जी आज, तो इस मंडी में आलू बखारे भी करें। मारा क्या भाई, हम तो जोड़ी ठा के इस मंडी में नहीं, अगली में सोने चांदी की मंडी में चले जाएंगे, चांदनी चौक में भी वीडियो बनती है, खारी बावली की वीडियो बनती है, कपड़े की वीडियो बनती है, ज्वेलरी की वीडियो बनती है, प्याज वाले बतेरा साथ दे रहे, लहसुन वालों का तो पैर हाथ जोड़ के साथ, प्याज वालों का साथ सब, क्या तब इन्होंने मेरे लिए कहाँ थे प्रोपगंडा फैलाया, सारे मेरे जो है जितने यूपी वाले भाई थे सारे मेरे दुश्मन बना दिए जी इन्होंने, स्टोर वाले भी बोलने लगे, स्टोर वाले भी धमकियाँ देने लगे, और भी धमकियाँ देने लगे जी। बताओ जी हद होगी किसी चीज़ की, फिर भी भाई किसी को बुरी लगी हो तो हम हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग ले जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई साहब के पास ये जो आलू बुखारा, यही आलू वाले साइड में बिक रहा जी यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी क्या क्या माल आ रहा, कितनी गड़ियाँ आ रही, कुल्लू वाले हैं जी अभी इस समय? हाँ जी, ये कुल्लू वाले हैं। पहले बताओ जी मौसम कैसा है, बरसात हुई जैसे? कल काफ़ी बरसात हुई लेकिन उसके वजह से आज गर्मी और ज़्यादा है। नहीं, यहाँ की बात नहीं है, वहाँ पीछे उसका फायदा है जी। बरसात हुई थी। अच्छा जी, तो इस टाइम पे बरसात होने पे क्या रहेगा कि साइज बढ़ेगा। अच्छा जी, तो वो ठीक है, अच्छा रहेगा। अच्छा जी, हाँ। तो लगभग कितनी गाड़ियाँ रही छोटी बड़ी मिला के जी हैं? आज सेब की अगर मैं बात करूँ, सेब की सिर्फ 15-20 गाड़ियाँ पूरे मंडी में। सेब आने लग गया जी सीए स्टोर? अच्छा, सीए भाई पुराने वाले सेब आ रहे हैं अभी भी, अभी तक बेच रहे जी? हाँ जी, हाँ जी, अभी यही चलेगा, अगले महीने तक चलेगा। एक मिनट, सेब के लिए चर्चा बता दो, मेरा ना विद्रोह चल रहा जी, अभी बन तो रही वीडियो आलू की है। अच्छा, आपके पास सीए सेब का स्टोर है? चलो बहुत बढ़िया जी, आपने इसकी वीडियो बनाई जी। एक मिनट, इसका रेट बता दो जी, और सीजन में क्या था, अब क्या चल रहा जी? ये सीजन में बिक रहा था बहुत ऊपर, ये आप अगर 105 जाने की बात करो तो ये 1500-1600 से कम नहीं था। अच्छा जी, आज मैंने 1000 रुपए का बेचा, वो भी कोशिश करके। अच्छा जी, 1000 रुपए का आराम से नहीं बिक रहा, धक्के मार के बेचना। सीजन में 1500-1600 रुपए का था? हाँ जी। और बड़ी पेटी इनकी कितने की थी जी? बड़ी पेटी इसकी बिक्री थी 2500 के आसपास। अच्छा जी, 5 टाई वाली। अच्छा, 175 दाना सीजन में? सीजन में। और आप 2500-2400-2300 ऐसा बिक रहा था। अच्छा जी, अभी ये बड़ी पेटी जो है इस समय आपको 1700-1800 की मिल जाएगी। सीए स्टोर का खर्चा अलग गया जी? सीए स्टोर का खर्चा अलग होगा, और समझो कि आपने 8-9 महीने के लिए माल डंप कर दिया। अच्छा जी, उसका खर्चा अलग होगा। ठीक है जी, जिसने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करी होगी। मैं आलू की वीडियो में, अरे समय अभी आलू की वीडियो में बोल रहा हूँ, सब्जी फ्रूट की वीडियो नहीं आए। अच्छा, आलू की वीडियो में, यानी ये लगा लो कि रिवर्स गियर लग गया इसका। हाँ, तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल, और गलती क्या है, इन्होंने सीजन में नहीं बेचे, आठ पाँव पकड़े लोगों ने भी दे दो दे दो दे दो, बाद में वो जो हमारे माल इनके 100 रुपए किलो बिक रहे थे। हाँ जी, अब इनको जो पैसे हाथ में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40-45 रुपए किलो। अच्छा जी, 60% घटा है। 60% इनका घट गया जी। गाट और हिमाचल का कुल्लू का सीए स्टोर का काम है जी। हाँ, तो जी आपके पास ये लगातार आ रही है। किशोर अंकल बताओ जी, भाई साहब ये एक बार मैंने वीडियो बनाई थी सुशांत भाई साहब की कई दिन पहले, उसमें मैंने बोला था सेब मंडी से कई करोड़ रुपए गायब हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। यानी सीजन पे जो चीज है अच्छे है, दाम अच्छे है, मार्केट मांग रही, उसको देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। ये नहीं अभी गाड़ियां दे, उनने कहा वो तो पर वो सीए स्टोर वाले भी क्या करेंगे, उनका सीए स्टोर का मतलब है कि उनको स्टोर तो करना ही करना है, वो खाली नहीं छोड़ सकते अपना। ठीक है जी, तो इस साल उनको उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि कश्मीर ने जितना यूजुअल स्टोर करते हैं वो, इस साल उन्होंने अपने यूजुअल से कई गुना ज्यादा स्टोर किया हुआ है। ठीक है जी, उन्होंने ताजा माल तो बेचा नहीं। अच्छा जी, ताज़ा माल बेचने के बजाय उन्होंने सीए स्टोर कर दिया, अब ये स्टोर का माल है। अच्छा जी, इस तरीके का माल मेरे पास सीजन में 1500-1600 रुपए 105 दाना बिकता था। अच्छा जी, इतना ही वजन, यही क्वालिटी। अच्छा जी, आज की कल तक तो ये 9.5 बिक रहा था। अच्छा जी, आज ये 1000 रुपए का दिया है, 50 रुपए बढ़ाने के लिए 2 घंटे हमने कोशिश करी आज। अच्छा जी, 50 रुपए के लिए, और यही 1500-1600 रुपए का माल खड़े पाओ, जब मर्जी भेज दो सीजन में। अच्छा जी, तो ये इस साल घाटा काफ़ी है। बहुत ठीक है, माल कच्चा अभी भी, माल को कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, ये आलू बुखारा आ रहा है, ये भी कुल्लू का ही है। हाँ जी, ये आज 600 रुपए तक बेचा है मैंने, 600 रुपए का ये डब्बा जी। हाँ जी, और वजन कितना है वो बना रहे वही दिखा, इसमें 4 किलो 300-400 ग्राम वजन है। 4 किलो आ रहे 300-400 ग्राम, ये खोल रखा भाई साहब ने, दिखाना जी, दिखाना भाई दिखाना, ये वाला जी,
अच्छा जी, माल बढ़िया जी है ये, माल अच्छा है ये, 4 स्टार है। अच्छा जी, मतलब इसको आप लार्ज समझो। अच्छा जी, ये बिका मेरे पास 480-500 रुपए का, 480-500 रुपए, क्योंकि कलर वाला माल है ये, थोड़ा ब्लैकिश पे आ गया ना। अच्छा जी, ये मतलब इस समय तैयार है खाने के लिए। ठीक है जी, जो बिल्कुल तैयार माल होता है खाने के लिए वो थोड़ा महंगा बिकता है, अगर थोड़े हरे पन पे रहेगा या पीले पन पे रहेगा थोड़ा सस्ता बिकेगा। और इसके अलावा क्या माल आ रहा जी अपने पास? अपने पास चेरी आ रही थी, वो खत्म हो गई फिलहाल, शिमले वाली या कुल्लू की? कुल्लू। अच्छा, अपना टोटल काम कुल्लू का है। अच्छा जी, तो चेरी मैंने बेची है सर 200 रुपए से लेके 450-500 रुपए तक, 1 किलो का, 700 ग्राम के पैकेट, 1.5 किलो का। अच्छा जी, 2 पैनेट? 2 पैनेट। अच्छा जी, और इसके अलावा अभी क्या माल आ रहा है? और मेरे पास अभी फिलहाल सेब आ रहे सीएस स्टोर का, बाकी आलू बुखारा स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट। अच्छा जी, तो अभी सीजन शुरू हुआ है, देखते हैं अभी ये सीए आने वाले 3 हफ्ते में सीए का माल आता रहेगा जी, ये अभी आएगा पूरा 1 महीना आएगा। अच्छा जी, अच्छा, आलू बुखारे की भी गाड़ी अच्छी आ रही है। हाँ जी, चलिए जी, राम जी सबका भला करे जी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।